अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज की ग्रामर की सेशन में मैं हूँ आप लोगों का टीचर रहीम शाह। आज का जो हमारा लेक्चर है आर्टिकल, जिसमें अक्सर स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आर्टिकल बहुत ही इजी है, लेकिन हमारे इंस्टीट्यूशन में इन्हें बहुत ही बड़ा चढ़ा के पढ़ाते हैं। सही, लेकिन आर्टिकल में आर्टिकल बहुत ही इजी है। आज का जो हमारा टॉपिक है आर्टिकल, जिसमें उर्दू में हरूफ कहते हैं। बेसिकली आर्टिकल तीन है, द आ और एन। फिर इन तीन आर्टिकल को कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सी आर्टिकल आर्टिकल तीन है, आ द आ और एन। फिर इन तीन आर्टिकल को कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है आर्टिकल का। तो सबसे पहले हम आर्टिकल की डिफिनेशन पढ़ते हैं, क्या आर्टिकल होते हैं, क्या चीज है, इसका यूज कहाँ होते हैं। आर्टिकल्स का यूज जो है ना, मेजोरिटी ऑफ टाइम इट इज आर्टिकल इज यूज विद नाउन, राइट। अक्सर वक्त आर्टिकल जो है ना इसम के साथ इस्तेमाल होता है, और बाज अवकात कभी कभी इट इज बट समटाइम इट इज यूज विद एडवर्ब, विद एडजेक्टिव एक्सेट्रा। सो सबसे पहले हम इसका यूज नोन के साथ देखते हैं कि नोन के साथ किस तरह इस्तेमाल होता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अब हुआ अब, यस। दूसरा तीसरा एग्जाम्पल है आफिन। ये सारे एग्जाम्पल है नाउन के, आर्टिकल का इस्तेमाल नाउन के साथ। आज जो है ना, अभी तक इन तीन आर्टिकल को कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। अभी तक हमने इनको कैटेगरीज में डिवाइड नहीं किया है, बस सिर्फ हम इसे आर्टिकल कहते। कौन सा आर्टिकल है इसके बारे में बाद में पढ़ती, ये आर्टिकल है आर्टिकल। सी और बॉय जो है ये नोन है, ग्रामर के लिहाज से ये नोन है। और कौन सा नोन है, कॉमन नोन है। सी इस तरह दूसरा एग्जांपल जो मैंने दिया है, आज जो है ये आर्टिकल है, बुक्स जो है ना नोन है, कौन सा नोन है, कॉमन नोन है। सी इसी तरह तीसरा एग्जांपल भी इसी तरह है, फिर जो है ना नोन है, कॉमन नोन है। सी इसके बाद अभी हमने इसका यूज नोन के साथ देखा, एडजेक्टिव के साथ फिर किस तरह इस्तेमाल होता है। जैसे कि यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूँ, अटाल बॉय, यस, लंबा लड़का। एडजेक्टिव का तारीफ हम लोगों ने इस तरह पढ़ा है कि एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच मॉडिफाई नोन आफ्टर नोन। इसमें सिफत वो लफज है जो इसम या इसमें जमीर को एलिबरेट करता है, इसमें जमीर को एक्सप्लेन करता है। यस, यहाँ पे जो ना ठाल क्या है, ये एडजेक्टिव है। यस एडजेक्टिव। और आज जो ये आर्टिकल है, बॉयज नोन है। सही, एडजेक्टिव के साथ, एडजेक्टिव के साथ भी इस्तेमाल हमने देखा कि एडजेक्टिव के साथ इस तरह इस्तेमाल होता है। यस, अचाल बॉय, लंबा लड़का। इसके बाद एडवर्ब के साथ भी देखते हैं कि एडवर्ब के साथ फिर इसका यूज किस तरह है। A very tall boy. वो लंबा लड़का। Yes, means that a very tall boy is here. Very is adverb. यहाँ पे जो है इस sentence में very जो है ना ये adverb है, और tall जो है ना ये adjective है। क्यों adjective है? ये noun के pronoun के बारे में बता रहा है। Yes, noun के, yes, boy के बारे में बता रहा है। यस, ये हो गया आर्टिकल का यूज। अभी तक हमने आर्टिकल का कोई कंसेप्ट नहीं, कोई कंसेप्ट नहीं पढ़ा, सिर्फ आर्टिकल जो बेसिक सी बात है मैंने आप लोगों को बताया कि आर्टिकल का इस्तेमाल नोन के, आर्टिकल जो है नोन के साथ भी इस्तेमाल होता है, और एडजेक्टिव के साथ भी इस्तेमाल होता है, एडवर्ब के साथ भी इस्तेमाल होता है। फिर हमने एडजेक्टिव के आर्टिकल का यूज नोन के साथ देखा। यस, जैसे कि अबू आई, अबुक, आफिन। इसके बाद एडजेक्टिव के साथ हमने इसका यूज देखा, अचार बुआई, यस, लंबा लड़का। और इसके बाद थर्ड एग्जांपल जो मैंने लिखा, वो आर्टिकल का यूज हमने एडवर्ब के साथ भी देखा कि आर्टिकल एडवर्ब के साथ किस तरह इस्तेमाल होता है। यस, जैसे यहाँ मैंने एग्जांपल दिया, अवेरी अचार बुआई। यस, ये तो हो गई बेसिक सी बातें आर्टिकल के बारे में, जो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब भी आप आर्टिकल के बारे में पढ़ते हो तो ये जो बेसिक चीजें ये आप लोगों को पता होना चाहिए। सही, इसके बाद फिर इन तीन आर्टिकल को कैटेगरीज
कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहले को नाम दिया है डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल, यस। और दूसरे को नाम दिया है इनडेफिनेट आर्टिकल। यस, डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल। और डेफिनेट आर्टिकल को उर्दू में अक्सर स्टूडेंट्स जो मैं जहां पर भी मैंने पढ़ाया है, जहां पर भी मैंने पढ़ाया है, मेरा टीचिंग का जो मेथड है वो दूसरे टीचर्स के मेथड से थोड़ा सेपरेट है, क्योंकि मैं वोकेशनल से नहीं पढ़ाता हूँ। जहां पर भी मैंने पढ़ाया है स्टूडेंट्स को, मेरा मेथड बहुत ही पसंद आया है, क्योंकि मैं वोकेशनल से नहीं पढ़ाता हूँ। अक्सर स्टूडेंट्स डिफिनेट आर्टिकल की उर्दू में उर्दू पूछती है कि उर्दू में से क्या कहते हैं और इनडेफिनेट आर्टिकल को उर्दू में क्या कहते हैं। आर्टिकल का तो मैंने आप लोगों को बताया कि आर्टिकल को हरूफ उर्दू में से हरूफ कहते हैं, और डिफिनेट आर्टिकल का भी अक्सर स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि डिफिनेट आर्टिकल को उर्दू में क्या कहते हैं। तो डिफिनेट आर्टिकल को, डिफिनेट आर्टिकल की भी मैं बताता हूँ, हरूफ तख़सीस, यस, आरोपी तख़सीस। और इस डिफिनेट आर्टिकल को आरोपी तख़सीस कहते हैं उर्दू में, और इनडेफिनेट आर्टिकल को आरोपी तंकीर, यस, आरोपी तंकीर और आरोपी तख़सीस। मैं सिर्फ डिफिनेट आर्टिकल की आप लोगों को 30 कंसेप्ट बताऊंगा जो आप लोग किसी जगह भी नहीं पढ़ेंगे। हाउ मेनी कंसेप्ट आई विल टेल यू, आई विल टीच यू 30 कंसेप्ट आप डिफिनेट आर्टिकल। तो डिफिनेट आर्टिकल इसमें क्या है, कौन सा है, और इनडेफिनेट आर्टिकल कौन सा है। इसमें ये जो तीन आर्टिकल हमने लिखे कि द, आ और इन, इसमें डिफिनेट आर्टिकल द है, डिफिनेट आर्टिकल द है, और इनडेफिनेट आर्टिकल आ और इन है। सबसे पहले हम डिफिनेट आर्टिकल के बारे में मैं आप लोगों को 30 कंसेप्ट बताऊंगा डिफिनेट आर्टिकल की। फिर इसके बाद हम इनडेफिनेट आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे कि इनडेफिनेट आर्टिकल भी क्या होती है, फिर इसके यूजेज किस तरह होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बताता हूँ जो बेसिक सी चीजें कि डिफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल कहाँ पे होता है। जनरली इट इज यूज विद पार्टिकुलर नाउन, पार्टिकुलर नाउन के साथ इसका यूज होता है। दूसरा है सिंगुलर कंटेबल नाउन के साथ, सिंगुलर कंटेबल नाउन के साथ इसका इस्तेमाल होता है, और इसका इस्तेमाल प्लूरल कंटेबल नाउन के साथ भी होता है। सही, पार्टिकुलर नाउन के साथ इस्तेमाल होता है डिफिनेट आर्टिकल खास के लिए। जब भी आप किसी खास चीज के बारे में बात करते हैं तो वहां पे डिफिनेट आर्टिकल द इस्तेमाल होता है। अभी तक हमने कोई रूल भी नहीं पढ़ा है, कोई कंसेप्ट भी नहीं। ये जो आर्टिकल बेसिक सी चीजें, बेसिक सी बातें थी, मैंने लोगों को आर्टिकल के बारे में बताया। अभी तक हमने आर्टिकल का कोई रोल नहीं पढ़ा है, कोई कंसेप्ट नहीं पढ़ा है। और एक और चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ जो आप लोगों की दिमाग में होनी चाहिए। जब भी आप मेरे लेक्चर को देखती हो, आप लोगों के साथ दो चीजें बहुत लाजमी है। अगर वो दो चीजें आप लोगों के साथ हो तो आप लोग मेरे लेक्चर को मेरे लेक्चर को अंडरस्टैंड कर सकते हो, मेरे लेक्चर को समझ सकते हो, लेकिन इसके बगैर आप लोग मेरे लेक्चर को समझ नहीं सकते हो। वो दो चीजें कौन सी है, वो दो चीजें ये कि आप लोगों के साथ जब भी आप मेरे लेक्चर को देखते हो तो इससे पहले आप लोगों के साथ ये दो चीजें बहुत जरूरी है। अगर आप लोगों के साथ ये दो चीजें हो तो आप लोग मेरे लेक्चर को समझ सकते हो। सही, और दो चीजें कौन सी, आप लोग सबसे पहले जब भी आप मेरे लेक्चर देखते हो सबसे पहले आप मेरे लेक्चर मत देखो। अगर आपके साथ, अगर आपके पास ये दो चीजें ना हो, आपके साथ पहला चीज क्या है, आपके साथ पेन होना चाहिए और एक नोटबुक होना चाहिए। जो भी पॉइंट्स मैं बताता हूँ आप इसे लिखो, सही, फिर आप इसे रिवाइज करो। इंशाल्लाह आपसे ये चीजें कभी, आप फिर आप इंशाल्लाह इन चीजों को कभी भी नहीं बोलेंगे। सही, अगर आप वैसे देखती हो, वैसे सुनती हो, सही, फिर ये आपके दिमाग में नहीं बैठ जाएगा। सही, तो आपके पास, आपके साथ ये दो चीजें बहुत ही लाजमी, आपके साथ पेन और नोटबुक होना चाहिए। सही, अभी भी अगर किसी के पास नोटबुक या फिर नहीं है तो मैं एक मिनट के लिए रुकूंगा। अभी तक हमने आर्टिकल का कोई कंसेप्ट नहीं पढ़ा है। सही, मैं एक मिनट आप लोगों को देता हूँ। जिसके पास पिन या नोटबुक नहीं है तो बराए मेहरबानी उठाए।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने पिन और नोटबुक उठाया होगा। तो सबसे पहले हम आर्टिकल की पहला कंसेप्ट पढ़ते हैं, डिपेंडेंट आर्टिकल किधर की। पहला कंसेप्ट है डिपेंडेंट आर्टिकल, देखिए कि इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं। सबसे पहले डिपेंडेंट आर्टिकल का द का इस्तेमाल, द से जो द है जो हमने इसे कैटेगरीज में डिवाइड किया, एक एक को नाम दिया डिपेंडेंट आर्टिकल और दूसरे को नाम दिया इंडिपेंडेंट आर्टिकल। इंडिपेंडेंट आर्टिकल आ और एन के से और डिपेंडेंट आर्टिकल सिर्फ द का से जो हम पार्टिकुलर नाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं, सिंगुलर कंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं और प्लूरल कंटेबल नाउन के साथ भी इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम डिपेंडेंट आर्टिकल की पहले कंसेप्ट पढ़ते हैं। पहला कंसेप्ट जो जो डिपेंडेंट आर्टिकल का वो ये सुपरलेटिव डिग्री, सही। पहला इस्तेमाल जो डिपेंडेंट आर्टिकल का है वो सुपरलेटिव डिग्री के साथ होता है। कौन सा आर्टिकल? डिपेंडेंट आर्टिकल द, यहाँ पे लिखते हो डिपेंडेंट आर्टिकल द। पहला कंसेप्ट जो डिपेंडेंट आर्टिकल द का है वो सुपरलेटिव डिग्री के साथ इस्तेमाल होता है। इसके साथ मैं आप लोगों को एक और चीज बताना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को ये चीज समझ में आ जाए। आप लोगों ने एडजेक्टिव पढ़ा होगा, एडजेक्टिव, यस एडजेक्टिव, एडजेक्टिव आप लोगों ने पढ़ा होगा। एडजेक्टिव की बेसिकली तीन डिग्री है, सही, पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, दूसरा है कंपेरेटिव डिग्री। कंपेरेटिव डिग्री, यस, और तीसरा है सुपरलेटिव डिग्री जो हम अभी पढ़ रहे हैं। कंपोजिटिव डिग्री हम इस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब आप पास करें आप कहती है कि ये गुड है, ये अच्छा है, ये बुरा, आप इसका कंपैरिजन किसी के साथ नहीं करते। इस वक्त हम पॉजिटिव डिग्री, जैसा कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ गुड, यस इट दिस इज गुड बुक, ये अच्छा किताब है, ही इज गुड पर्सन, वो अच्छा शख्स है, सही। इसका अभी हमने कंपैरिजन नहीं किया, हम वैसे करते हैं, हम वैसे कहते हैं कि ये अच्छा है, ये बुरा है, सही। तो इस वक्त हम पॉजिटिव डिग्री इस्तेमाल करते हैं जब हम दो चीजों के बारे दो चीजों का कंपैरिजन करते हैं कि ये चीज इस चीज से अच्छा है, ये स्टूडेंट इस स्टूडेंट से काबिल है, सही। तो फिर इसमें तो हम कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि गुड का कंपैरेटिव डिग्री बेटर है, सही। और मैं अक्सर स्टूडेंट्स देखिए जो गुड का सीखे जो गुड का कंपैरेटिव डिग्री इस तरह लिखते हैं कि गुडर, ये जो बिल्कुल गलत है, ये गुडर नहीं है, सही। अक्सर स्टूडेंट इसमें बहुत ही कंफ्यूज होते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री जो है ना हम अक्सर औकात ई आर से बनाते या कभी कभी ये हम मोर से भी बनाते, यस। तो इसलिए वहां पर जो है ना गुड के साथ ई आर लगाता है कि गुडर, कि इसका भी कंपैरेटिव डिग्री गुडर है, लेकिन असल में ये कंपैरेटिव डिग्री गुडर नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, सही। गुड का कंपैरेटिव डिग्री बेटर है और सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट है, यस। जैसे कि स्मॉल, स्मॉलर, यस स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, और सुपरलेटिव डिग्री जो है ना हम अक्सर औकात ई एस टी से बनाते हैं, ई एस टी या मोस्ट, सही। ये तो हो गया एडजेक्टिव के बारे में, आप लोगों को बताया कि एडजेक्टिव की तीन डिग्री होती है, एक पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री जब हम किसी चीज के साथ भी कंपैरिजन नहीं करते, हम वैसे कहते हैं कि ये अच्छा है, ये बुरा है, और कंपैरेटिव डिग्री में हम इसका कंपैरिजन करते हैं दो चीजों के साथ, ये चीज इस चीज से अच्छा है, इस वक्त हम कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। और जब हम किसी एक स्टूडेंट को, एक स्टूडेंट को सारे फैमिली के साथ, सारे क्लास के साथ कंपेयर करते हैं, तो इस वक्त हम सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल करते हैं। तो कम टू पॉइंट, अपने पॉइंट पे आते, हमने पढ़ा कि डिपेंडेंट आर्टिकल द का एक इस्तेमाल ये भी है, डिपेंडेंट आर्टिकल का द का एक यूज भी है कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ अक्सर इस्तेमाल होता है। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल
he is the smallest boy in the class. कि वो क्लास में सबसे छोटा लड़का है। अभी हम हमने पास कर या भी हम अली का नाम देते हैं या किसी और कोई और नाम लिखते हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि अली इज द स्मॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, कि अली क्लास में सबसे छोटा लड़का है। अभी हमने अली का कंपैरिजन सारे क्लास के साथ किया, इसलिए हमने कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल किया और यहाँ पे हमने ईएसटी लगाया। ईएसटी इसलिए लगाया क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री है, और डिपेंडेंट और द का इस्तेमाल इसलिए हमने किया क्योंकि हमने पहले पढ़ा कि डिपेंडेंट का तक का इस्तेमाल सुपरलेटिव के साथ होता है। से दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि अकरम अकरम इज द टॉलेस्ट बॉय इन द फैमिली। यस, कि अकरम, अभी हमने अकरम का कंपैरिजन सारे फैमिली के साथ किया, सारे शेरनी के साथ किया, कि अकरम इज द टॉलेस्ट बॉय इन द फैमिली, कि अकरम किला कि अकरम खानदान में सबसे लंबा लड़का है। सी, और मैंने आप लोगों को बताया कि कुछ एडजेक्टिव्स, सम एडजेक्टिव्स व्हिच कंपेयर व्हिच सुपरलेटिव डिग्री वी मेक विद द हेल्प ऑफ मोस्ट, लाइक मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं कि she is the most intelligent girl. She is the most intelligent girl in the family. Yes, she is the most intelligent girl of the in the family. कि वो खानदान में पर्स करे में, यहाँ पे हम एक नाम देते हैं ताकि आपको समझ आए कि हम नजमा कहते हैं। यस, नजमा लिखते हैं कि नजमा इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द फैमिली, कि नजमा खानदान में सबसे लंबी लड़की। अभी नजमा का कंपैरिजन हमने सारे सारे फैमिली के साथ किया, इसलिए हमने सुपरलेटिव भी इस्तेमाल किया, और द का इस्तेमाल हमने इसलिए किया क्योंकि हमने पहले पढ़ा कि डेफिनेट आर्टिकल द का एक यूज सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी होता है। ये तो हो गया सुपरलेटिव डिग्री के, ये तो हो गया पहला कांसेप्ट डिपेंडेंट आर्टिकल का, हम जो हम सुपरलेटिव डिग्री के साथ करते हैं। दूसरा कांसेप्ट भी बहुत इजी है। ये जो भी कांसेप्ट मैं आप लोगों को बताता हूं, आप लोगों ने इसे नहीं बोलना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं मुकेश वैसे नहीं पढ़ाता हूँ, मेरे टीचिंग का जो मेथड है वो थोड़ा सेपरेट है। जहाँ पर भी मैंने पढ़ाया है स्टूडेंट्स को बहुत ही पसंद आया है, तो आप लोगों में उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी पसंद में आया होगा। पहला रोल आपने पहला कंसेप्ट हमने पढ़ा कि सुपरलेटिव के साथ इस्तेमाल होता है। दूसरा कंसेप्ट है जिसके मैं नाम देता हूँ आप द टू का नियम, आप द टू जो है ना, हम कंपेरेटिव डिग्री के साथ इस्तेमाल होते, कंपेरेटिव डिग्री के साथ इस्तेमाल होता है आप द टू। जब भी आप दो चीजों के बारे में जब भी आप दो चीजों की कंपेरिजन होती है इस वक्त हम डिपेंडेंट आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं। जब भी किसी सेंटेंस में आप जो आ जाए तो आपने ऑलरेडी यहाँ पे डिपेंडेंट आर्टिकल द इस्तेमाल करना है। जैसे कि एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूँ, जैसे कि आप द टू बॉय, आप द टू बुक, आप द टू बुक्स have the two book, this is better, कि उन दो किताबों में से एक किताब अच्छा है। अभी हमने कंपैरिजन किया दो किताबों के साथ, आप द टू हमने इसलिए इस्तेमाल किया कि आप द टू हम इसको इस्तेमाल करते, आप द टू, यस,
जब भी आप दो चीजों का कंपैरिजन करते हैं, इस वक्त हम डिपेंडेंट आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। जब भी किसी सेंटेंस में आप द टू आ जाए तो आपने आप द टू से पहले डिपेंडेंट आर्टिकल द इस्तेमाल करना है कि आप द टू ब्रदर्स शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ द टू सिस्टर। जैसे कि मैं आप लोगों को और एग्जांपल देता हूं, she is the more intelligent, she is the more intelligent of the two girls. Yes, of the two girls, she is the more intelligent of the two girl, कि वो दो बहनों में से बहुत ही ज़हीन है। यस, यहाँ पे हमने डिपेंडेंट आर्टिकल द इसलिए लगाया क्योंकि हमने पढ़ा कि इसका यूज कंपेरेटिव के साथ भी इस्तेमाल होता है, और आप द टू भी जब भी किसी सेंटेंस में आप द टू आ जाए तो इस वक्त हम डिपेंडेंट आर्टिकल द इस्तेमाल करते हैं। एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूँ, इसका जवाब आप लोगों ने खुद ढूंढना है। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो आप लोग मुझसे कमेंट सेशन में पूछ सकते हो। सही, अगर आप लोगों ने इसे फुल कंसल्टेशन के साथ पढ़ा तो आप लोग इसका जवाब बहुत ही जल्दी निकालोगे। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ कि Aslam is the most smallest boy in the family. Yes, इसका जवाब आप लोगों ने खुद जोड़ना है। See, इसमें अगर कोई confusion हो तो आप लोग मुझसे comment section में पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही काफी है। इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम आर्टिकल की और कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा।